देखिए तालाब को भरने से बचाने के लिए हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं। हम लोग 8 महीना पहले भी रिपोर्टिंग दिए हैं, डीएम साहब को दिए हैं, मेयर साहब को दिए हैं, एमएलए साहब को दिए हैं, डीएलआरओ में दिए हैं। हाँ, उतना देने के बावजूद भी तालाब भराया जा रहा है। 4 से 5 दिन पहले हम लोग बड़ा वो कंप्लेन भी दिए कि सर देखिए यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, तालाब भर रहा है। बड़ा वो हम लोग तो वादा किए देखिए मिट्टी और नहीं भराया होगा। हाँ, हम लोग ऐसे उनके पास सुन गए, लेकिन अभी बड़ा बाबू की बात नहीं सुन रहा हूँ। वो कानून के ताक में रख करके जो है तालाब भरवाया जा रहा है। इसका हम लोग का इंसाफ चाहिए पूरा पाड़ावासी को। तालाब है किसी हाल में नहीं भरना चाहिए। इसका पहले भी एक तालाब जो है रातारात भरा दिया गया है चितंजा रोड में। रात एक दिन में 300 डंफर माटी लगा फैला है रात में, ठीक है। हम लोग कुछ नहीं कर पाए और अभी भी हम आग्रह करते हैं, कानून से आग्रह करते हैं इसको हम बताया जाए। तालाब हम लोग पाड़ा में हुआ है, कम से कम यहाँ पर 2 से 3 हज़ार का जनसंख्या हम लोग का है। आज किसी घर में आग लग जाएगा, पानी कहाँ से आएगा। हम लोग सरकार को नियम कर दिया है कि परमिशन दे नहीं रहा ये लोग कि हम लोग म्यूनसिपैलिटी से सफा करा सकें। अंत में नहीं होगा, पब्लिक उतरेंगे सफा करने के लिए, तालाब तो बचाना हम लोग होगा। यही बोलकर हम अपना वक्त शेष करते हैं। नमस्कार, मैं विनोद सिंह सोलंकी, आसनसोल कोर्ट जिला के अधिवक्ता। और ये तालाब जो हमारे राजकुमार भाई ने बताया, एक्सेक्ट नंबर वार्ड में 2 तालाब हैं। एक ये तालाब देख रहे हैं, बैजू तालाब बोला जाता है, और एक मोहल्ला के अंदर में। दोनों तालाब को सुनियोजित तरीके से भरने का प्रयास चल रहा है। और इसके लेकर के हम लोग 8 महीना पहले भी और भी पहले भी बहुत बार हम लोग यहाँ के हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी हम लोगों ने चिट्ठी दिया है। मत्स्य एवं पालन मंत्री जो मछली विभाग का है उनको भी दिया है कि जलाशय में मछली छोड़ा जाता है। उसके बाद हम लोग शहरी विकास मंत्री और म्यूनिसिपल अफेयर अर्बन डिपार्टमेंट उनको भी दिया है। और साथ में यहाँ स्थानीय जो डीएम है साहब है, डीएलआरओ है, बीएलआरओ है, पुलिस कमिश्नर है। और अभी हम लोग रिसेंट में यहाँ के न्यामतपुर फाड़ी प्रभारी में भी हम लोग शिकायत दर्ज कराए हैं। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं किस तरह से तालाब को भरा जा रहा है। यहाँ एक फ्लैट का निर्माण है, यहाँ मिट्टी खोदा जा रहा है। देखिए मिट्टी का खुदाई करके और इस मिट्टी को ला करके फिर इस तालाब में दिया जाना। और जब जब हम लोग बोल रहे हैं तो बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर मिट्टी भरने का काम हो रहा है और फाड़ी से 10 कदम की दूरी पर ही काम चल रहा है। और तमाम महिला पुरुष यहाँ पर उपस्थित हैं। और इसके लेकर के जो भी कानूनी लड़ाई लड़ना होगा हम लड़ रहे हैं। ज़रूरत पड़ेगा तो हम हाईकोर्ट में इसके लेकर के जनहित याचिका भी दायर करेंगे, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े, लेकिन इस तालाब को हम भरने नहीं देंगे। यही बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मैं अब रिंकू वर्मा से कहूँगा कि 2 शब्द आकर के बोले। संतोष वर्मा जी वाले আপনারা দেখছেন এই যে নিয়ামতপুর ফাঁড়ির পিছনে এখানে যে পুকুরটা ভরা হচ্ছে, এই ধরন করে আপনি শুনেছেন এটা বেজু তালাব, আর একটা সামনে তালাবটা ভরা করা হয়েছে। তো পুকুর কার আছে সেটা দেখার দরকার নেই। বিএলআরও যার আন্ডারে পুকুর বলে একটা পুকুর থাকা দরকার আছে। এখানে যেভাবে জনসংখ্যা বাড়ছে এই এলাকাতে, এই লাইন্স ক্লাব এলাকাতে যেভাবে জনসংখ্যা বাড়ছে, যদি এই পুকুরটাকে ভরে দেয় কাল দিন কোনো আগুন টাগুন লাগে, যদি কোনো ঘটনা ঘটে যায় মানুষ জল কোথা থেকে নেবে? এই পুরো লাইন্স ক্লাব এলাকাতে ম্যাক্সিমাম মোটামুটি এখান থেকে নিয়ে 20,000 লোকের 25,000 লোকের 50,000 লোকের বসবাসের মধ্যে একটাই পুকুর আছে। যদি এই সামনে দিকে এই ফ্রন্ট রোড আছে, যদি এখান থেকে জল যদি বন্ধ করে দেয় তো জল কোথায় থেকে নেবে আর কী করে আগুন উগুন নিভাবে? ভবিষ্য জন্য এই পুকুরটাকে বাঁচাতে হবে, সেই ব্যবস্থাটা প্রশাসনকে করতে হবে। আর বিএলআরও তার দায় নিতে হবে, বিএলআরও দায়িত্ব আছে কি পুকুরটাকে ভালো করে দেখভাল করা দরকার। নিয়ামতপুর ঘাটি ছট তালাব, इस तालाब का नाम है। जब हम लोग यहाँ पर छठ पूजा करते थे, आज देखे यहाँ पर का काउंसलर और यहाँ का जो गुंडा जो माफिया है, जो जमीन माफिया किस प्रकार से तालाब को अपना नाम करके के भराटी कर रहा। हम बताना चाहते हैं कि यह जो तालाब है, तालाब का 75% भेस्टर जमीन पे बना हुआ है। आप इंक्वायरी करके देख लीजिए कि जो माफिया आज बोल रहा है कि मेरा जमीन है, आज तालाब को भराटी कर रहा है, इस तालाब में उसका कितना अंश है वो पेपर निकाल करके देख रहा है। यहाँ पर जो यहाँ पर बड़ा बड़ा जो फ्लैट बनता है, देखिए सरकार जो गरीब लोग को पट्टा देने का काम करता है जो ज़मीन पर, आज उस पट्टा वाला ज़मीन के ऊपर में भी बड़ा बड़ा फ्लैट बन रहा। मैं सरकार से और यहाँ का प्रशासन से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस प्रकार की कोई भी कार्य को होने ना दे और पूरी तरह से जांच करे, पता करे कि तालाब में किसका कितना अंश है। जो वो अपने आप को बता रहा है कि इसका मालिक हम है और भराने का काम कर रहा है।
इन प्रकार के लोगों को सरकार के तरफ से और यहाँ के जो लोकल प्रशासन, सिविल प्रशासन और पुलिस प्रशासन कड़ा से कड़ा शास्ति दिलाने का काम करे। हम लोग इसके लेकर के अगर जरूरत पड़ा तो म्युनिसिपैलिटी को घेराव भी करेंगे और रोड को ब्लॉक करेंगे कि इस प्रकार के गुंडागर्दी इलाके में बंद होना चाहिए। नमस्कार, मैं कुलटी बीजेपी मंडल प्रेसिडेंट एडवोकेट कंचन कुमार सिन्हा। कहाँ जाएंगे तलाव के लिए? हम लोग कहाँ जाएंगे? देखिए बोलो, देखिए सफा करवा चाहिए ना, पोखर ठीक ना, जल थके ना थके पोखर तो काज देवे। हमारा गरीब मानस हमारा कथाए जब आप देखिए दो बाल्टी जल निकाज हो तलाब में जो माटी फेंक रहा था बड़ा बाबू, यहाँ पर जो प्रशासन हम लोग हैं, छोटा बाबू, मेजो बाबू, बड़ा बाबू जो भी है यहाँ पर, सब हम लोग का आश्वासन दिए हैं कि जो भी तालाब मिट्टी फेंका गया है वो मिट्टी तो खाली किया जाएगा और तालाब भी साफ कराया जाएगा। वो मालिक के द्वारा, जो तालाब का मालिक है, वो तालाब का मालिक के माध्यम से तालाब पूरा परिष्कार किया जाएगा। हम लोग का प्रशासन से यहाँ पर हम लोग का आस्था मिला है। मिट्टी भी हटेगा और तालाब भी सफा होगा, ये बात हम लोग प्रशासन से बोला गया। हाँ